लोटस बिस्कॉफ बिस्किट महंगा पड़ेगा या सस्ता, कस्टमर को किस रेट में देना चाहिए? यहाँ पे मैंने बिस्किट और स्प्रेड दोनों यूज़ किया है, तो चलिए मैं बताती हूँ ये आपको कैसे देना है कस्टमर को और किस तरीके से बनाएंगे कि ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े। और टेस्ट तो ऐसा है कि अगर एक बार कस्टमर खाएंगे तो वो बार बार ऑर्डर देंगे, तो चलिए बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूं बिस्कॉफ केक। ये आज 1 पाउंड का केक बनाने वाली हूं। इसके लिए मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम प्रीमिक्स लिया है और 5 इंच के केक टिन में मैंने इसे बेक किया है। अभी अभी मैंने एक और बिस्कॉफ केक बनाया था जिसका थोड़ा सा क्रीम इसमें बचा हुआ था, उसी में मैं और क्रीम लूँगी और उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच बिस्कॉफ जो स्प्रेड आता है उसे मिक्स करूँगी। 1/2 kg या 1 पाउंड का केक बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें स्प्रेड मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 चम्मच के बराबर मैंने इसे डाला है और इसे मिक्स कर लिया है। लेयर में मैं थोड़ा अच्छे से डालूँगी बिस्कॉफ का, थोड़ा सा स्प्रेड भी डालूँगी। तो यहाँ पे 1 चम्मच क्रीम में मिक्स करने के बाद इससे मैं क्रम कोट कर लूँगी। कस्टमर को कितना मीठा पसंद है आप उसके हिसाब से बिस्कॉफ स्प्रेड का यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी मीठा होता है, आपके केक को बहुत ज़्यादा मीठा करेगा। तो यहाँ पे मैंने पहला लेयर रखने के बाद मैंने हल्का सा पानी से सोक किया है और उसके बाद मैंने क्रीम लगाया बिस्कॉफ स्प्रेड मिक्स किया हुआ, और ये जो है बिस्कॉफ बिस्किट इसको भी मैं थोड़ा सा तोड़कर यहाँ पे डालने वाली हूँ। तो 1 बिस्किट 1 लेयर के लिए काफ़ी है, आप चाहे तो आधा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ 1/2 ही बिस्कॉफ बिस्किट का यूज़ करूँगी, साथ ही मैं वाइट चोको चिप्स भी इसमें डालूँगी। यहाँ पे आप स्प्रेड भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैं डालूँगी नेक्स्ट लेयर में, और यहाँ पे मैं सिर्फ बिस्किट और वाइट चोको चिप्स डालकर छोड़ दूँगी और नेक्स्ट लेयर को रखूँगी। दूसरा लेयर भी मैं पानी से सोक कर लूँगी और उसके बाद साइड को कवर कर लूँगी। पानी से इसलिए सोक कर रही हूँ क्योंकि इसमें अगर शुगर सिरप डाला तो काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाएगा, स्प्रेड और बिस्किट ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। ये आपको किस हिसाब से प्राइस मिलता है, आपके शहर में क्या प्राइस है, उसके हिसाब से आप स्प्रेड का यूज़ करें। अगर आपको कम प्राइस में इसे देना है तो आप स्प्रेड का यूज़ सिर्फ क्रीम में करें, अगर आपको अच्छा प्राइस मिलता है तो आप इस तरीके से स्प्रेड को थोड़ा सा मेल्ट कर लें 10 सेकेंड के लिए और उसके बाद इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेयर में डाल सकते हैं। तो मैंने 2nd लेयर पर डाला और मैंने लास्ट लेयर पर भी इस तरीके से स्पंज के ऊपर ही थोड़ा डाला है। बहुत ही टेस्टी केक बनता है। आप अपने शहर में किस तरीके का रेट होता है उस तरीके से आप बनाएं, अगर अच्छा रेट मिलता है तो ज़रूर स्प्रेड को थोड़ा सा मेल्ट करके और क्रम कोट करने के दौरान आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ क्रीम में ही मिक्स करके और स्प्रेड को और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसकी क्रम कोटिंग भी कर लें और ऊपर लेयर में भी लगा दें। तो आपने देखा बहुत ज़्यादा इसमें भी मैंने नहीं डाला, 1 चम्मच के बराबर इसमें बाहर फाइनल आइसिंग के लिए डाला और 1 चम्मच मैंने अंदर जो लेयरिंग करनी थी उसमें मैंने डाला। तो 2 चम्मच में आपका परफेक्ट 1/2 kg का केक आराम से बन जाएगा और पूरा टेस्ट आएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि बिस्कॉफ बिस्किट और स्प्रेड का केक काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अगर आप क्रस और फिलिंग का यूज़ करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ ही जाता है। तो आप वहाँ उसकी जगह पे स्प्रेड और बिस्किट का यूज़ करें, लेकिन कम क्वांटिटी में करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा इसका। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, अगर आपको अच्छे पैसे मिलते हैं तो आप अच्छे से स्प्रेड का यूज़ करें क्योंकि स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, बिस्किट भी महंगा होता है, और 1 बिस्किट में आप क्रम कोट करने के दौरान लेयर में डाल सकते हैं तो बिस्किट बहुत ज़्यादा भी नहीं लगा आपका। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए मेल्ट करने के बाद हल्का सा 10 सेकेंड के लिए मैंने मेल्ट किया, उसे मिक्स किया और इसी से मैंने साइड में ड्रिपिंग भी कर ली और ऊपर भी इस पर लगा
लगा दिया तो यानी पूरा एक चम्मच मेरा ऊपर भी स्प्रेड करने में लगा और मेल्ट किया था, और बीच में लेयरिंग के दौरान जो मैंने डाला उसमें यानी 3 चम्मच के बराबर, बहुत ज़्यादा भर के नहीं, 3 चम्मच के बराबर आपका स्प्रेड इसमें यूज हुआ, 3 बिस्किट इसमें यूज हुआ। तो उसके हिसाब से आप इसका कॉस्ट 600 के अराउंड रख सकते हैं 1 पाउंड का, और ये आपका केक बहुत ही टेस्टी होगा और लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसलिए अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप एक बार अगर बिस्किट और स्प्रेड लेते हैं तो आपका ये बहुत ज़्यादा केक बनेगा, बहुत बार बना सकते हैं उसका यूज करके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिस्किट ना ले तो आप सिर्फ स्प्रेड के साथ भी ये केक बना सकते हैं, और डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर लें और लोटस बिस्किट का जो कॉस्ट है वो भी बच जाएगा। ऊपर से आपको इस बिस्किट को 1 रखना है या 2 रखना है या नहीं रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से ड्रिपिंग करनी है या नहीं करनी है ये आपके और आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा प्राइस वैसा केक